सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठें और परमेश्वर के वचन को जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वचन के समय आप उठा मत करो, आपको मौका मिलना चाहिए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोग वचन का आदर करते हैं परमेश्वर उनका 100 गुना आदर करवाता है, याद रखना। बाइबल बोलती है जो वचन का आदर करेगा परमेश्वर भी उनका आदर करता है। सम्मान देने की बात होती है वचन में जब आप बैठते हैं और सुनते हैं दो घड़ी, इसीलिए फिर भटकता है आदमी दाएं बाएं। मेरे कहने को समझ रहे हैं लोग, फिर वो पास्टर भी अच्छा नहीं लगता, विश्वासी भी अच्छे नहीं लगते, फिर चर्च भी नहीं अच्छा लगता, एक दिन उन्हें दुनिया भी अच्छा नहीं लगती और वो सुसाइड कर लेते हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूं, एक दिन ये गोलगप्पे ये टमाटर ये बैंगन भाई साहब मत खाया करो, बाहर बीमार हो जाते हो, फिर आगे टिड खराब हो गया, दवाइयां लेते हो, किसी कोई रेड़ी देखी उसी पे खाने लग गए। आपको समझना है आप वचन सुनने के लिए आए हैं, वचन की खुराक खाओ, आपका पेट वैसे ही भर जाएगा आज। आमीन। और गेट बंद कर दे बाहर वाला, कोई बाहर नहीं जाएगा, गेट बंद कर दे, गेट बिल्कुल बंद कर दे, और जो बाहर जाए एंट्री बंद कर दे। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल दे आपको। अब अलबा शबल अब अलबा शबल अब अलबा शबल अब। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज इस समय मेरे प्रभु जी जो लोग तेरे वचन को सम्मान दे रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें आना स्टार्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे रहे जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, जो लोग वचन सुनने के लिए आए हैं वो लोग वचन के द्वारा ही आज चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने सिरों पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज तेरा कलाम जब खुले अंधे देखे लंगड़े चले कोड़ी पाक शाक किए जाएं, गुनेगार अपने गुनाहों से नजात पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मेरे प्रभु इनका छुटकारा होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बड़ी आशीषें खुलने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोल देता हूं परमेश्वर, मैं ब्लेसिंग को खोल देता हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरा अनुग्रह परमेश्वर इनके ऊपर स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु एक बड़े आनंद को देखने पाए आज मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग मुझे समय लाइव भी देख रहे परमेश्वर, जिसके कान में तेरा वचन पड़े और समझ में आए मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियां बदल जाएं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जितने लोगों ने तेरे वचन का आदर किया इनकी जिंदगियां आज से परमेश्वर सच में तेरे हाथों में है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तू इनके बच्चों को छुएगा आज, इनकी फैमिली को छुएगा आज, इनके बंद पड़े बिजनेस को छुएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको छुएगा और एक बड़े आनंद के साथ इस हफ्ते में लेकर आएगा, आप सेलिब्रेशन करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो ताड़ियां बजा रहे हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हालेलुया वो आनंद मनाओ, ताड़ी बजाकर आनंद मना रहे हैं परमेश्वर के कलाम का। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से निकालें याकूब की पत्री उसका 1:22 फर्स्ट चैप्टर और उसका 22 ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे। जल्दी से निकालें सब। अगर आज आप आपके लिए कोई डोर नहीं खुला, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरी जिंदगी में कोई डोर नहीं खुला हुआ, हो सकता है कि आप बच्चा मांग रहे हो और बच्चा ना हुआ हो सकता है कि आप चंगाई मांग रहे हैं लेकिन आपके घर में चंगाई नहीं हो रही, हो सकता है कि आप जॉब मांग रहे हैं जॉब नहीं मिल रही, और जब आदमी परेशान हो जाता है तो वो सोचता है बार बार कि शायद परमेश्वर मेरे लिए एक भी दरवाजा नहीं है, क्या मेरे दरवाजे कब खुलेंगे। याद रखना कि आज मैं ऐसे लोगों को आज वचन से समझाने के लिए आया हूं कि आपके लिए परमेश्वर ने कभी दरवाजा बंद ही नहीं किया, कभी बंद ही नहीं किया। आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कब खोलेगा, बाइबल बोलती है कह रहा है कि आज जितने वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे उनके लिए परमेश्वर दरवाजा खोल कर रखेगा, कभी बंद नहीं करेगा।
जो आमीन बोल रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं। आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं। आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं दरवाजा खुला रहे हैं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है आपके लिए दरवाजे खुलेंगे आज रात चर्च आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। सारे रिसीव करें और तारीफ करें जोर से यीशु मसीह की। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप नाकाम है अपनी जिंदगी में, बेशक आपका कोई काम ना बनाओ, बेशक आपकी जिंदगी में एक भी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन आज वचन को सुनने वाले लोगों मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज आपके लिए द्वार खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। तुम्हें कह रहा है कि उस द्वार तक पहुंचना है, बस कह रहा वचन बोल रहा है, कह रहा द्वार सबके लिए खुला हुआ है। देखो आप समझ रहे हैं कि स्वर्ग सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचना है, कौन कौन जाएंगे स्वर्ग तक? सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए दिल्ली इंडिया गेट खुला हुआ है, खुला हुआ है वो, लेकिन कौन जाएगा उस गेट तक? उनको नहीं पता है कौन जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप गेट तक चले जाते हैं लेकिन अंदर कोई कोई जाता है। आपको मैं राजा महाराजा भी गेट खोल कर रखते हैं, जिस दिन उन्होंने मुलाकात करनी होती है अपनी प्रजा से उस दिन उनकी सुनने के लिए वो गेट खोल कर रखते हैं, लेकिन उस गेट तक तो आप चले जाते हैं लेकिन अंदर नहीं जा पाते। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मसीह में लोग आने के बाद कई बार निराश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गेट खुला तो है, बंद यीशु मसीह ने कभी किया ही नहीं है, उनके लिए हमेशा गेट खोल रखा है, लेकिन आपके लिए जो गेट खुला हुआ है वो कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गेट तक पहुंचना है। जब आप वचन का आदर कर रहे हैं आप गेट तक पहुंच गए आशीषों के। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप चर्च आते हैं, जब आप बीज डालते हैं, दशमान डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब एक एंजल आपको उठाकर परमेश्वर के आशीषों के गेट के पास बिठा देता है, जैसे अंधे भिखारी को गेट के पास बिठा दिया। मैं कह रहा हूं कि एक लंगड़े भिखारी को मंदिर के गेट के बाहर बिठा दिया लोगों ने। आज बहुत सारे लोग अगर आज समस्या में है, कर्जे में है, परेशानी में है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, जब आप एक विनती परमेश्वर से करते हैं एक एंजल आपको उठाकर गेट के पास बिठा देता है। बस आप विश्वास करो ओनली फॉर 5 मिनट्स में आप गेट के अंदर घुसने वाले हो, आशीष से लेने वाले हो। आमीन। आपके लिए आशीष का दरवाजा बिल्कुल बस पास में ही है। आमीन। आशीष का दरवाजा पास में होता है मसीह लोगों के, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि आशीष अब निकालनी कैसे है। लेकिन आज अगर आप दरवाजे तक पहुंच गए हो आपकी आशीषें भी आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी बता रहा था, कह रहा पास्टर जी मुझे रोज मेरे गांव में नीचे खेत में गड्ढे में मुझे एक ड्रीम्स आता है और मुझे वहां पर 10 घड़े सोने के दिखाई देते हैं। मैंने कहा बैठे तेरी तो चांदी होगी फिर। बोला कह रहा हां जी। कह रहा मैं खोद लूं? मैंने कहा वहां कुछ नहीं मिलेगा तुझे। लेकिन बोलता नहीं जी, बस वहीं पर है सब कुछ। और जब उसने गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदते ही उसकी आवाज आने लगी ठन ठन, उसने सुना कि सोने की आवाज आने लगी उसको। जब गहराई में चला गया और नीचे कूद गया, कई दिन मेहनत लगी उसको, और जब नीचे कूदा उसके बाद सांप ने उसको दर्शन दिए और सांप को देखते ही भाग आया। बोलता है खैरा जी आशीष का दरवाजा तो था यही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और वही मसीह व्यक्ति एक बाबे के पास भाग गया और बोलता है कह रहा बाबा जी धन तो था यहां पर, कहां गया? कह रहा कि मैंने अपना घर सारा खोद मारा, पत्थर भी फाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, धन नहीं मिला। लेकिन वो बाबा उसको बोल रहा था, कह रहा बेटे था तो वैसे ही पंजाबी च, पर हुण किसी और दे घर चला गया। मैं क्या तेरे कहने का मतलब है कि अपा हुण दूजिया का घर पाड़ीए? पहला तू साडा घर फड़वाया, अब दूसरा घर फड़वाने के चक्कर में
याद रखना, मेरा परमेश्वर आपका घर फाड़ने के लिए नहीं आया, आपके घर को डबल करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आज आपका तो घर डबल होगा, आपके पड़ोसियों को भी आशीष मिलकर जाएगी यहाँ से यीशु मसीह के नाम आमेन। में अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेरे भी सोने के घड़े भरवाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हो आप? आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। पढ़ो याकूब के 1:22 में, जिसको सोने के घड़े लेने हैं 1:22 पढ़ो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं, हाँ हाँ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले ही नहीं। कह रहे जो लोग अपने आप को धोखा देते हैं, वो लोग जो वचन को सुनते हैं और बोलते हैं व्हाट अ मैसेज। मैं जब इंग्लैंड के अंदर गया, जब थोड़ा सा मैसेज करते थे इंग्लिश में, ट्रांसलेशन करते थे या कहीं फॉरेन में, तो वहां पे फटाफट फॉरेनर लोग ऐसे बोलते थे व्हाट अ मैसेज, व्हाट अ लाइन, या वाह क्या मैसेज है, क्या बात बताई पादरी ने, क्या गहराई की बात बताई पादरी ने। लेकिन वो सिर्फ वचन को सुनते हैं। लेकिन उनके घर चले गए तो शराब की, उनकी दुकानों में शराब है और वो बेच रहे हैं। इसका मतलब वचन को वो सुन रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कह रहे आप आशीष के दरवाजे तक आ तो गए हैं, लेकिन आप 5 मिनट की दूरी पर हैं। अगर आप वचन को मान लेंगे, मैं कह रहा हूं कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिस आशीष को, वो आज आपके हाथ में पकड़ में आने वाली है। चर्च आमेन। आप पकड़ने वाले हैं आज, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं पकड़वाऊंगा, अरे मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, करा सिर ठहराऊंगा सिर। हालेलुया, हालेलुया। करा मैं तुम्हें नीचे नहीं रखूंगा, ऊपर रखूंगा, तुम्हारे मस्तक ऊंचे होने वाले यीशु मसीह के नाम में। हर शर्मिंदगी आपकी जाने वाली यीशु मसीह के नाम में। अगर आप वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको शर्मिंदगी से छुड़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो नाकाम असफल जो थे लोग, वो सफल होने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बोल रहे हैं, हाँ आगे पढ़े। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, वह उस पर चलने वाला ना हो, हाँ, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पे देखता है। कह रहे कि यहाँ पर लिखा, कह रहे कि वो लोग, कह रहे जो वचन को सुनते तो हैं पर मानते नहीं है, वो इस तरीके से जब आप शीशा देखते हैं और शीशे में आईने में देखते हैं कि आज मैं बड़ी सोनी लग रही है, आज मैं बड़ा सोना लग रहा हूं, शीशे में हम देखते हैं कि नहीं, और थोड़ी देर के बाद आप उस शीशे से हटा लो, उसके बाद आपको आपका चेहरा नहीं याद रहेगा। कितने लोग सुबह उठ के शीशा देख कर आए, यहाँ तक उठाऊ, कई लोग तो ऐसे ही आ गए, बस चलो डीढ़ कटिए चलिए फटाफट, ले हैंड प्रेस भी खड़ा होना। लेकिन नहीं, जो लोग शीशा देख कर आए हैं, देख कर आए हैं कि नहीं? जब आप शीशा देख रहे थे उसके बाद आप अपनी शक्ल अब देखो, आपको याद है? नहीं है याद अभी, अभी कैसा हूं मैं, इसलिए बार बार स्क्रीन की तो देखता रहता हूं मेरी शक्ल कैसी है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि आप जब बाइबल को देखते हैं, ये आपका एक आईना है, आईना, हालेलुया। इसलिए जब आप एक बार देखते हैं, अगली बार आप पाप में गिर जाते हैं, लेकिन अगर आप रोज देखते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप पाप में नहीं गिरने वाले, आप पवित्रता में चलने वाले हैं, और मेरा परमेश्वर आपका आदर करने वाला है। आमेन। आपका आदर करने वाला है परमेश्वर, और मैं कह रहा हूं कि अगले हफ्ते में आपके बच्चों का सम्मान कराने वाला है इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप देखेंगे उस सम्मान को, लेकिन जब आप वचन नहीं पढ़ते, जब आप बाइबल नहीं खोलते, तो आपको याद ही कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों को रोज इसमें मुंह देखते हैं अपना, वो आशीष में रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं पैदा हुआ 8वीं क्लास तक मैं ज्यादा आईना नहीं देखता था, और मेरा रंग बड़ा काला था, लेकिन 8वीं से मैंने आईना देखना शुरू कर दिया, और 10वीं तक मैं बड़ा गोरा हो गया, थोड़ा गोरा हुआ, ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन यीशु मसीह का आईना असली मुझे मिला, मैं कह रहा हूं कि मैं ऊपर से तो गोरा था, अंदर से काला था, लेकिन मैं उस दिन से अंदर से भी गोरा हो गया। आज आपको बता रहा हूं कि बेशक आप ऊपर से गोरे हो, लेकिन अंदर से काले हो सकते हैं, या आप ऊपर से काले होंगे अंदर से गोरे होंगे, लेकिन जिस दिन आपने बाइबल को खोलना और पढ़ना और इसको मानना शुरू कर दिया, उस दिन मैं कह रहा हूं आपकी हर चीज स्मार्ट होने वाली है, ब्लेसिंग में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो अद्भुत होगी, मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी अद्भुत होगी, आपका घर अद्भुत होगा, लोग देखकर प्रशंसा करेंगे। याद रखना जो लोग पवित्रता के अंदर चलते हैं,
परमेश्वर उनको कभी भी जुगाड़ नहीं करके देता। यूपी के अंदर जब साइकिल पंचर हो जाती है, लोग 10 साइकिल वाला बोलता रहता है, अबे ट्यूब वाले बोलता है, नहीं यार एक जुगाड़ ही कर दे, पंचर ही लगा दे। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा खुदा पंचर लगाने वाला परमेश्वर नहीं है, जुगाड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है, उसका नाम अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। अगर आप पवित्रता में चलने का फैसला लेते हैं, याद रखना कि आपका घर आपके गांव में सबसे ज्यादा सुंदर होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप पवित्रता में चलते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपने जो नहीं देखा वो आज रात से आप देखने लगेंगे चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं, जोन सा देश आप देखना चाहते हैं वो परमेश्वर इन आंखों से दिखाएगा आपको। आमीन। जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन का आदर करो। जब वचन का आदर जब होता है, कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं और उसमें लिखी हुई बातों का आदर करते हैं, परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों का सम्मान आज रात में कराने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसे लोगों को मैं एक हफ्ते के अंदर उनके घर पर लड़ियां लगे हुए देख रहा हूं, सेलिब्रेशन करेंगे वो लोग आनंद मनाएंगे। जो लोग अभी मना रहे हैं वो ताड़ियां बजा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रचार किसी प्रोफेटिक वर्ड से कम नहीं है, समझ जाओ। अगर मैं बीच बीच में आपसे आमीन करवा रहा हूँ और हालेलुया बुलवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके यही दिन आपके 6 दिन में आशीषें बदलने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा काम करता है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि अब तक मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को। बहुत सारे लोग निराशा में हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी, पास्टर लोग भी, विश्वासी भी। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है प्रार्थना की, कि ये भी डिमांड, वो भी डिमांड। मैं कह रहा हूं कि चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, हम अपने ऊपर भी लागू करते हैं उस बात को कि कई बार ऐसा टाइम आता है हम निराश हो जाते हैं कि यार ये अब तक भी चर्च क्यों नहीं बढ़ा, यार ये अब तक भी चर्च क्यों नहीं बना, या यार मेरे घर में अब तक गाड़ी नहीं आई, मेरे बच्चे नौकरी लगे। लोग परेशान होते हैं कि परमेश्वर इतने साल से मैं ट्राई कर रहा हूं और अब तक वीजा नहीं आया, अब तक मेरे बच्चों के काम क्यों नहीं खुले। परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य है उसका 3:7 और ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर, क्या हम उसको पढ़ें और देखें जल्दी से। हाँ जी प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर उसका 3:7 पढ़ेंगे। हाँ, फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तारीफ करो, चोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि देख, कह रहा है मैं तेरे अंदर जानता हूँ क्या चल रहा है, कह रहा है मैं जानता हूँ, एक विश्वासी को प्रभु बोल रहा है, कलीसिया से बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ, कह रहा है कि तेरे अंदर थोड़ी सी शक्ति है लेकिन फिर भी तू अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा दान देता है, तेरी आंखों में कमजोरी है फिर भी तू बाइबल पढ़ना पसंद करता है, तेरी टांगे जवाब देगी हैं लेकिन फिर भी तू चर्च आना पसंद करता है, तेरे परिवार के लोग तेरे साथ नहीं है, तेरा हस्बैंड तेरे साथ नहीं है, तेरे भाई लोग तेरे साथ नहीं है, रिश्तेदार तेरे साथ नहीं है, तेरे माँ बाप तुझे चर्च जाने नहीं देते, लेकिन कह रहा मैंने तेरे अंदर देखा है, तूने एक भी दिन मेरा इनकार नहीं किया है। ऐसे लोगों के घर परमेश्वर कह रहा है सेलिब्रेशन मनाने वाले हैं वो लोग। आमीन। आनंद की घंटियां बजने वाली आपके घर पे चर्च। आमीन। कह रहा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है, मैंने देखा है, करा ऐसे लोगों को बाइबल बोल रही है, करा कि जब आप निराश हो जाते हैं, जब आप समस्या में चले जाते हैं, तो 3:7 में लिखा कि वहां पर लिखा, करा कि मैंने एक भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं किया है, मैंने तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल कर रखा है, और करा जिसके लिए मैंने खोल दिया कोई माई का लाल उसे बंद नहीं कर सकता, याद रखना। हालेलुया। लेकिन बंद कौन कराते हैं? करा जो लोग निराशा में चले जाते हैं वो बंद कराते हैं अपने दरवाजे। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी एक औरत ने बताया यहाँ पर आकर कि एक पास्टर ने कहा तू वहाँ नहीं जाना प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में। एक बॉम्बे से आया, बोलता है कह रहा प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में जाके अब तू साढ़े चर्च नहीं जाना। वो बेचारी निराश होगी, लेकिन आपको बोल दिया होगा, कह दिया नहीं जाना। मैं सीधा बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, इसलिए पास्टर लोग भी
समस्या में है, इसलिए उनके घर पे समस्या है। जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, आज उसके घर पर आनंद करने के लिए स्वर्गदूत उनके साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको समझना है, मैं कभी नहीं किसी को रोकता और कहता, लेकिन आपको समझना है। यहाँ पर वो औरत निराश हो गई और वो सोचने लगी, बोलती मुझे 10 साल से बच्चा नहीं और मैं 10 साल से भटक रही हूं। उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन में मेरी वीडियो दिखाई उसको और उसको बताया कि बेटे यहां पर जा। और वो बोलती मुझे ड्रीम्स आया है। हम जेलस के कारण कई बार बोल देते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन उसने एक फैसला लिया, डिसीजन लिया, उसने उस समस्या को क्रॉस किया, दुख उठाया उसने। मैं कह रहा हूं कि जब आप दुख उठाते हैं प्रभु में आने के बाद, आप छोटी छोटी बातों के लिए आप निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम नहीं बना, इतने संडे से मैं चर्च जा रहा था, इतने टाइम से मैं ये काम कर रहा था। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं कि जब परमेश्वर किसी के लिए भविष्यवाणी करता है, उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। यह दरवाजा खुल गया है, यह दरवाजा खुल गया है, लेकिन एक शैतान क्या करता है, वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है आकर, अब मैं तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगा, खुल तो गया। जब एक प्रोफेसी होती है तो वहां पर दरवाजा खुल जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके लिए दरवाजा खुल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि दरवाजा खुल गया है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यस प्रोफेसी हो गया। एक भाई के लिए 2 करोड़ रुपए की प्रोफेसी किया मैंने और वो बोलता है, कह रहा यस होगी मेरे लिए प्रोफेसी, नहीं 10 करोड़ की थी। और थोड़े दिन के बाद वो नींद में सपने में 2 करोड़ गिनता रहा, कभी उसने प्रार्थना नहीं किया। और थोड़े दिन के बाद आता है, बोलता है पास्टर जी 6 महीने हो गए अब तक वो प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। मैंने कहा परमेश्वर ने एक भी दरवाजा तेरे लिए बंद नहीं किया, खुला हुआ है। कहता लेकिन मैं जब भी जाता हूं, कहता कि मैं एंड टाइम पे, आज मुझे सौदे की आवाज आती है कि अभी इसी समय फैक्ट्री वालों को आवाज आती है, हेलो हाँ भाई लड्डू तेरी फैक्ट्री में कितना माल है? कह रहे कि जी 50 लाख का पड़ा लक्कड़। कह रहे मेरे को चाहिए, ठीक है मैं आ रहा हूं। और जैसे ही आने लगता है वो फिर फोन आता है लड्डू का, पास्टर जी लकड़ा वाला कह रहे थे मैंने आना है, आया नहीं आज। अच्छा टेंशन होगी, आप समझ रहे कि नहीं। औरत के लिए प्रोफेसी कर दिया कि परमेश्वर तुझे प्रेग्नेंट करेगा और वो औरत बोलती है यस प्रोफेसी हो गया। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसी समय खुश हो जाती है, बस कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, होता मैं प्रेग्नेंट होगी। यहां पर अगर आप गवाहियां सुनते हैं कि एक बार प्रेग्नेंट हुई गिर गया, 2 बार प्रेग्नेंट हुई गिर गया, 3 बार प्रेग्नेंट हुई बच्चा गिर गया, प्रेग्नेंसी खराब होगी, बच्चा तो हुआ ही नहीं भाई साहब, प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। इसका मतलब कि आपके लिए आशीषों के दरवाजे खुले तो हुए हैं, लेकिन कह रहा है शैतान खड़ा हो गया वहां पर। आपको क्या करना है, आप मसीह लोग हो, आप स्पेशल लोग हो, इसलिए परमेश्वर कह रहा है, कहता है मैंने तेरे धीरज को देखा है, मैंने कह रहा है कि तेरे को देखा, तूने इनकार नहीं किया मेरा, लेकिन कह रहा है कि मैंने तेरे लिए दरवाजा कभी बंद नहीं किया, तू निराश क्यों है? कहता क्यों, क्योंकि तूने मांगना बंद कर दिए, तूने प्रार्थना करना बंद कर दिए। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं और बंद नहीं करते उसको, आप जब तक प्रार्थना करते रहो, मिले ना मिले, वो परमेश्वर आपको ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए दरवाजा बंद रखे। उसने वचन में कहा है, कह रहा है जितनी तुम प्रार्थना करोगे, कह रहा है कि उतना तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और बाइबल बोलती है, कह रहा है कि उसने एक भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं किया हुआ, आज वो आशीषों का द्वार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। जो प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहा है उन्हें वो पहलवान बोल रहा है, और कह रहा है वो पहलवान, कह रहा है उसे छीनना जानते हैं, पहलवान उसे छीनना जानते हैं अखाड़े के अंदर। कई नाम को कैसे जीता जाता है, आपको पहलवान बनना है, आपको प्रार्थना के अंदर अपनी मजबूती दिखाना है। आप छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं, आपके लिए प्रोफेसी हो गया, आपके लिए काम खुल गया। आज बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था उसी दिन परमेश्वर ने सोच लिया था, उसी दिन स्वर्गदूत आगे थे, जो आप मांग रहे थे मेरे बच्चे ने विदेश जाना है, उसी दिन एक स्वर्गदूत आ जाता है, तभी तो आप अमेरिका के एम्बेसी तक पहुंच जाते हो। लेकिन कई बार वीजा नहीं लगता आपका, इसीलिए आपके पास इंतजाम हो जाता है, आपके पास पैसे आ जाते हैं, आपके पास सारे काम बन जाते हैं, लेकिन एंड टाइम पर आपका कई बार कैंसिल हो जाता है, रिफ्यूज हो जाता है वीजा। क्यों? क्योंकि आप लोग एंड टाइम पर जाकर विश्वास को छोड़ देते हैं, क्योंकि शैतान गेट पर खड़ा है, कहता है कि मैं इनको अंदर नहीं जाने दूंगा। अभी मैं सूरत की भविष्यवाणी कर रहा था, क्या बोल रहा था, मैंने इसको 22 साल से शादी नहीं होने दे रहा, इसकी मैं
22 साल थोड़े नहीं होते। परमेश्वर ने आपको, आपने अपना नाम रख लिया होगा WW, इना मीना सीना डीना डीका, जो भी आपका नाम है, चमेली कमला, जो भी नाम है आपका। लेकिन मैं आज आपको आपका नाम बताता हूं, आपका नाम है राजा और आपका नाम है रानी। हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्ग के बच्चों की पहचान है, आपका नाम राजा रानी से कम नहीं है। मेरा परमेश्वर ऐसे ही बुलाएगा जिस दिन आपको, अगर आपको देख लिया मेरे परमेश्वर ने पवित्रताई में, तो मेरा परमेश्वर आपको कैसे बुलाएगा, ओ मेरी रानी आजा, ओ मेरे राजा इधर। आप राजा की तरह जिए, परमेश्वर ने आपको राजा से कम नहीं बनाया। चर्च सेलिब्रेशन करो, आनंद मनाओ, आमीन बोलकर। आप किसी रानी से कम नहीं है। आप दूसरों की कार देखते हैं और आप छोटा मन कर लेते हैं अपने आप को। परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं इसको रानी नहीं बनाऊंगा, मैं इसको नौकरी बनाऊंगा। ऐसे लोग नौकरी रहते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन जब आप दूसरों की कार देखते हैं, परमेश्वर ने आपके सामने से कार इसलिए निकाल ली थी कि आपके अंदर भी उत्साह है और आप घर जाकर प्रार्थना करो, परमेश्वर इस साल मैंने भी यही कार लेनी है। परमेश्वर कह रहा ठीक है बेटे, तुझे मैं रानी बनाऊंगा अब। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके सामने कोई कोठी ऐसी इसके लिए लेकर आया है कि आप भी इसको मांगने लगो, प्रार्थना करने लगो। माँ बच्चे को सिखाती है, बोलती है बेटे अगर तू ये देख ले, ये देख ले, ये देख, ये देख, ये कौन सा खिलौना है। हाँ मम्मी मेरे को ये चाहिए, वाह 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 वाला ये चाहिए, बेटे साइकिल चाहिए, कार वाला चाहिए, रिमोट से कार चलती है वो चाहिए। नहीं नहीं, आजकल के बच्चे बोलते नहीं नहीं रिमोट वाला हेलीकॉप्टर चाहिए, खेलने का छोटा सा बच्चा भी हेलीकॉप्टर मांगता, आज कार नहीं मांगता। उसको आशीष दे मेरी तरह। छोटा सा बच्चा हेलीकॉप्टर मांग रहा है, कार नहीं मांग रहा आजकल, वो भी हेलीकॉप्टर मांग रहा है। लेकिन उसकी माँ बोलती है बेटे अगर तू अच्छे नंबर से पास हो गया और तू पढ़कर आ गया, मैं तुझे हेलीकॉप्टर ही दिलाऊंगी। याद रखना, अगर आप पास हो गए, जब तक आप इस धरती पर जिंदा हो, आप पवित्रताई में, इस बाइबल में, आज्ञाओं में, अगर आप पास हो गए, मैं कह रहा हूं जो मांगोगे मिल जाएगा। आमीन। ये यूहन्ना 15:7-8 में लिखा, जो मांगोगे मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं कोई माई के लाल आपकी आशीषों का दरवाजा बंद नहीं कर सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी ने कहा हो चाहे मैं ही क्यों ना हूं उसमें, मैं कहूं तू मेरे चर्च नहीं आता, चल भाग यहां से। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपका विश्वास, आपका पवित्रताई, आपका चाल चलन, आपका करैक्टर आपको मेरे से भी ज्यादा आशीष दिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका भरोसा होना चाहिए, आप निराशा में मत रहो, आप किसी से जलो भुनो मत। मैं कह रहा हूं कि जब मैं पंजाब के अंदर आया, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, चंडीगढ़ में आया मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कहाँ से आ गया तेरा, ये हो गया तेरा, वो हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये तो जादू टोने करता है, ये भूत प्रेतों से निकालता है, दुष्ट आत्माओं से निकालता है, जैसे यीशु मसीह को बोलते थे, उनकी सहायता लेता है, ये तो नाइजीरिया जाके आया भाई, वहां से सीख के आया कुछ। मैंने कहा बेवकूफ, मेरा पासपोर्ट तो देख लो, एक भी स्टैंप नहीं है मेरे पास। लेकिन बोलने हैं लोग, बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना जब तक आपकी कोई बुराई नहीं करता, तब तक आपकी प्रमोशन भी नहीं परमेश्वर करता। उसको बोलो तू बोल, और हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला है जाए कहीं से कहीं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं, हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। और अपने पड़ोसी को बोलना तू रहे यहीं, मैं चला इंग्लैंड। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपको निराशा में जो लोग डाल रहे हैं उसको बोलो तू निराश रहे। मैं कभी निराश व्यक्ति के पास नहीं बैठता, जो मुझे निराश करते हैं, जो मुझे नेगेटिव बातें बोलते हैं, मैं उनके पास भी खड़ा नहीं होता। मैं इस वचन को पढ़ता हूं प्रकाशित वाक्य के, कि यहां पर देखो फिर से पढ़ो और लिखा साथ में, कह रहा है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपका काम बंद कर दिया है, फिर कोई नहीं खोल सकता। मैं कह रहा हूं यहां पर इज़राइल के अंदर बहुत सारे लोगों को पता है, जब परमेश्वर कोख बंद कर देता था, कोई नहीं खोल सकता था। कितने पूड़े खा लो, कितने तागे डला लो, कितने तबीज डला लो, कुछ नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर ने एलीशा को बताया, कह रहा कि जा, कह रहा इनकी कोख मैं खोलूंगा, प्रार्थना कर किया। परमेश्वर ने अब्राम को कहा, मैं कह रहा हूं कि अब्राम ने एक जगह पर प्रार्थना किया, और जो कह रहा सारा को पसंद करता था, उसे शादी करना चाहता था, अब्राम की पत्नी को छीनना चाहता था, कह रहा उसके राजपाठ में भी बच्चे होना बंद हो गए थे। लेकिन जब उसने प्रार्थना किया, अब्राम ने जब उसने अपनी गलती को माना, तब परमेश्वर ने उसकी कोख खोल दी, उन लोगों की भी कोख खोल दी, उनकी दासियों की भी कोख खोल दी, उनकी नौकरानियों की भी कोख खोल दी। मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर बंद करे तो कोई नहीं खोल सकता, याद रखना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज आपके पास सुनहरी अवसर है, जब आप पश्चाताप करते हैं,
एक पाप आपके कामों को बंद कराता है, लेकिन एक पश्चाताप आज आपके कामों को खुलवाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब व्यक्ति बोलता है कह रहा है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं नशा करता था मैं नहीं करूंगा, मैं झूठ बोलता था गाली देता था मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर बोलता जा अब तेरे कामों को कोई माइकालाल बंद नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए खोल दिया यार, क्यों टेंशन में हो आप टेंशन में घूमते हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि कह रहा है काम किसके बंद होते हैं, कह रहा है जो कह रहा है कि सुबह कह रहा है प्रार्थना नहीं करते उनके काम बंद होते हैं, कह रहा है जो कह रहा है शाम को बाइबल पढ़ के नहीं सोते प्रार्थना नहीं करते उनके काम बंद होते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करते हैं मसीह लोगों को यही आदत डाली जाती है। परमेश्वर जानता है इस बात के लिए, मेरे पास मैं जब चर्च के अंदर था तो मैं छोटा ही था उस समय, मैं विश्वासी था बिलीवर था, तो मेरे घर पर कुछ केरला से कुछ विश्वासी आए हुए थे और वो जब मैं उनको छोड़कर आ रहा था दिल्ली तक तो वो जब मेरे घर से चले जब मेरे घर में आए तो उन्होंने प्रार्थना किया, जब वो घर से गाड़ी में बैठे किराए की गाड़ी में तो उन्होंने प्रार्थना किया, जब वो वहाँ एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने प्रार्थना किया, जब वो जहाजें बैठने लगे तो प्रार्थना किया, एयरपोर्ट पे बाय कर रहे थे तब फिर प्रार्थना करके हमें अलविदा किया, ये भी सुरक्षित जाए। मैंने कहा तारा भला हो जा, ये प्रार्थना पर डिपेंड है क्या, आप समझ रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर कह रहा है जो लोग ऐसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जो लोग ऐसा जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके बच्चे करोड़पति होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप केरला के अंदर चले जाओ, आप केरला के अंदर चले जाओ, एक भी बच्चा आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा, उनकी इंग्लिश ऐसे बोलते हैं धड़ाधड़, और यहां पर पोटैटो की हिंदी बता दो वही नहीं पता इनको, पोटैटो की हिंदी पूछ लो भाई साहब, टोमेटो की पूछ लो पता नहीं है, चाहे पादरी से पूछ लो पता ही नहीं भाई साहब, इतना पता है आलू है टमाटर है ये नहीं पता इन दोनों में से कौन सा है। मैं आपको सही बता रहा हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्यों हमारे वंश के लोगों ने प्रार्थना करना सीखा ही नहीं है, समझ रहे हो, हमने कहा कि नहीं बस 5000 ले लो और हमारे नाम के कमरे में बैठ के मंत्र पढ़ दो हमारे बच्चों का भला हो जाए, लेकिन जो माँ बाप प्रार्थना करना सीख गए उनके बच्चे फटाफट इंग्लिश बोलने वाले हैं, फटाफट सड़ासड़ बोलने वाले हैं, डंग 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 डंग, सारे बोले हालेलुया हालेलुया, उनका माइंड चलने वाला है, उनका बिजनेस चलने वाला है। मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस माँ के गर्भ से ही चुन लिया जाता है, समझ रहे हो कि नहीं, कह रहा है कि आपकी माँ अगर प्रार्थना करने वाली है तो उसके गर्भ में मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा, हालेलुया हालेलुया, और आपके बच्चों को एक फेमस बच्चा बनाएगा। यहां पर आप जानते हन्ना ऐसे गिड़गिड़ाई रोई वो परमेश्वर के सामने, प्रार्थना किया उसने और परमेश्वर ने उस दिन ठान लिया, कहता मैं इसकी कोंख बंद की थी मैंने, लेकिन इसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया है, कहता कि मैं इसकी कोंख अब बंद नहीं करूंगा। उसको एक बच्चा ऐसा दिया कि वो फेमस बच्चा दिया कि राजा महाराजा भी कह रहा कि जब उसके पास आते थे जब वो अभिषेक करता था लोग राजा बन जाते थे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ भेड़ बकरियां चगाने वाले लोगों का उसने अभिषेक किया, शाऊल का उसने अभिषेक किया और वो राजा बना। मैं कह रहा हूँ कि दाऊद का उसने अभिषेक किया राजा बना। अगर आज आप गरीब हैं, अगर आज आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अगर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं तेरे वचन को सुन रहा हूँ और मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा अपने बच्चों के लिए कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में चमत्कार हो, मेरे बच्चे कभी भी पैदल ना चले परमेश्वर, ये झोपड़ी में ना रहे बंगले में जाए परमेश्वर, आप प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये बात है, आपका डिसीजन है, फैसला है कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ में जो मैंने दुख उठाया है कि मेरे बच्चे ना उठाएं, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको स्टार्ट होना है, आप अपनी बैटरी को चार्ज रखो 24 घंटे। जब आप चार्ज रखते हो तो पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं कि आपको आशीष देने वाला इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आपके बच्चे आशीर्वाद में बदलेंगे, सारे बोला हालेलुया हालेलुया। मैं आपको गवाही दे रहा हूं इस बात की, मैं स्कूल जाता था साइकिल पर और उस समय में मेरे डैडी हमें फिल्म थिएटर में लेके जाता था, मर्द फिल्म दिखाने ले गया था एक बार, और साइकिल पे पीछे बिठाया उसने मेरी माँ को, आगे बिठाया मुझे, डंडे बिठाया मेरे बड़े भाई को और छोटे भाई को आगे मरगाड़ पे, और भाई साहब वो साइकिल खींच रहा बेचारा, मैं हूँ मर्द, मैंने कौन सी फिल्म लगी है खरे मर्द, मैं कहा डैडी वो मर्द तो हम बाद में देखेंगे, पहले तेरे को देख रहे हैं, तू असली मर्द है है ना, ऐसे मर्द ढूंढ रहा है परमेश्वर, मेहनत कर रहे हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं जिस मेहनत में यीशु मसीह का नाम नहीं है,
और उस दिन मेरी आंख में आंसू थे, मैंने कहा मेरा बाप मुझे को कभी घुमाने ले जाता तो कैसे लेके जाता है। और वो सीन मुझे याद आता है, उधर ही बैठे होंगे पीछे सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मेरा डैडी जब वो सीन याद आता तो मैं उसी से मैं अंदर से बड़ा टूट जाता हूँ। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रभु के वचनों को पढ़ा, उसमें लिखा कि प्रभु के वचनों में करे जो मांगोगे मिल जाएगा। मैंने सबसे पहले यही कहा था, परमेश्वर साइकिल मुझे कभी ना दियो साइकिल पे मैं तेरा प्रचार भी नहीं करना, मैंने करना ही नहीं, मैं पैदल जाना पसंद करता था, साइकिल पे नहीं जाता था। अगर कोई मेरे को बोले साइकिल, मैं कहा मुझे चलानी नहीं आती, अगर कोई मैं मेरे को चलाता भी देख लेता था कोई तो मैं उसके सामने गिर जाता था जान के मैंने कहा आती नहीं है। लेकिन आपको समझना है, ये मेरी प्रार्थनाएं थी बचपन से, जब मैं प्रभु में आया, जिस दिन मैंने बैप्टिज्म लिया उस दिन मैं असली पैदा हुआ, उस दिन से मैंने प्रार्थना की थी। मैंने कहा परमेश्वर मेरे बच्चे कभी भी स्कूल में साइकिल पर ना जाएं, मैंने जो दुख उठाया अब मेरे बच्चे नहीं उठाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये बात आपको समझना है। अगर आज आप ये प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर महान परमेश्वर है, बोल रहा है मैंने तेरे लिए पहले से आशीषों को खोल रखा है मेरे बेटे, मैंने बंद नहीं किए, तेरे विश्वास ने तेरी बंद कर दी आशीषें। तेरा यह विश्वास तुम्हारी आशीषों को बंद करता है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी आशीषों को खोल कर रखता है। जैसा बोलता है जा सुबेदार, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और परमेश्वर ने एक रात मुझे कहा था, कह रहा जब तक जिंदा रहेगा धरती पर कह रहा कार में ही रखूंगा तेरे बच्चों को। हालेलुया। आप समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर वैसा ही करेगा तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन अगर आप पवित्रता से चूक रहे हैं तो मैं कह रहा हूं मैं नहीं कह सकता कि आप आ सकते हैं, कार से साइकिल पर भी आ सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर साइकिल से मर्सिडीज में ले जाने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं आपके बच्चों को, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं कि याकूब के 22 में लिखा कह रहा जो मेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं और उस पर चलते हैं कह रहा कि वो साइकिल से मैं कह रहा हूं मस्जिद में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप झोपड़ी से बंगले में जाएंगे चर्च। आमीन। आपकी आशीषों का द्वार मेरे परमेश्वर ने खोल दिया इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके आशीषों के द्वार खुल रहे हैं चर्च। आमीन। कितने लोग जश्न मनाएंगे आज से या हालेलुया हालेलुया। मैं बोल ली जा रहा हूं जश्न ही नहीं मना रहे। अब मैं आपको बताता हूं, तेरी शादी होगी नहीं हुई, सुनो जिस दिन इसका रिश्ता होगा और जब इसकी शादी होगी तो ये जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर और क्वायर हैं वो सारे इसकी घोड़ी के आगे पता कर रहे होंगे डिंग डिंग लक्का लक्का डिंग डिंग लक्का लक्का नाच रहे होंगे। जब इसकी दुल्हन इसके साथ आके कार में बैठ जाएगी, जब घर चले जाएंगे वो बेचारे उदास जा रहे होंगे, खत्म हो गया बस, अब तो खत्म हो गया ये इतने दिन ही नाचना था इतने दिन ही थे, अब बेचारा गया काम से हाँ ये मतलब है नाचने का। जब शादी में लोग नाचते हैं ना ढिम ढिम लक लक ढिम ढिम लक लक, अब क्या हुआ, अब चले जो करना था कराना था करा दिया, अब क्या होगा, अब कालिया तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुझे दो बच्चे करने पड़ेंगे, पत्नी होगी और उसके बाद सास भी पीछे डंडा लेके होगी, करता नहीं मेरी जन मेरे मुंडे ने कुछ खिलांदा नहीं मेरी कुड़ी नू, रोज फोन भी करेगी, परेशान होंगे आप। इसका मतलब क्या है, कह रहा दुल्हन को जब लेने के लिए जाते हैं तब सेलिब्रेशन करते हैं, करते हैं कि नहीं, और दुल्हन आई भी नहीं अभी भाई साहब सेलिब्रेशन ले, और यहाँ उल्टा कह रहा जब कर नाच रहे होते हैं जब दुल्हन जब तक नहीं आती जब तक नाचते हैं, और जब दुल्हन आ जाती है उसके बाद अपने घर सारे मुंह लटकाए चले जाते हैं, भाई साहब इसका भी बेड़ा गर्क हो गया आप समझ रहे कि नहीं। लेकिन उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझना है, जब मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं जश्न मनाओ, यस हालेलुया। मैं कह रहा हूं यीशु आपके लिए झोपड़ी में से बंगले में लेकर जाने वाला चर्च, आपका जश्न खत्म नहीं होगा चर्च। आमीन। आपकी शादियां होंगी, जश्न खत्म नहीं होगा। आमीन। ये जश्न मातम में नहीं बदलेगा चर्च, आपके लिए वादा है परमेश्वर का, करा मैंने जो तुम्हारे लिए आशीष खोल दिया कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता। आमीन। लेकिन यहाँ पर शादी करते हैं और उसके बाद में सोचते हैं हुन साडा की होगा, हुन तुहाडा कुछ नहीं होगा,
रोने के सिवाय कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लोग प्रार्थना पर भरोसा करते हैं, समझ रहे कि नहीं, उनके घर हर दिन आनंद आने वाला है। आमेन। हर दिन आनंद आने वाला है। आमेन। आपकी जोड़ियां सक्सेसफुल होने वाली हैं, आपके बच्चे सक्सेसफुल होने वाले हैं। आमेन। आपकी फैमिलियां सक्सेसफुल होने वाली हैं। आमेन। कह रहा है यही कारण है, यही कारण है, लोग शादियां तो कर देते हैं लेकिन वो आनंद के साथ नहीं करते। बोलते कुड़ी ने पसंद कितना सीखा, मुंडे ने पसंद कितना सीखा, ओ यार कितना सीखा, ठीक है कर लिया ना, लेकिन तू आनंद मना यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। तू आनंद मना, प्रार्थना कर। अगर तूने पहले प्रार्थना की होती तो वो कुड़ी अपने आप जबरदस्ती ना पसंद करती। माँ बाप प्रार्थना नहीं करते, बाद में कहते हैं हाँ जी हाँ जी कोई नहीं, मुंडी मुंडी क्या कहते हैं पंजाबी में, मुंडा कुड़ी, कुड़ी ते मुंडा। जब आप प्रार्थना नहीं करते उनके लिए, लड़के लड़की के लिए, तो उसके बाद वो फ्यूचर की तरफ देखते रहते हैं, फ्यूचर के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। अब जब आप फ्यूचर के लिए प्रार्थना करते हैं तो अपने बच्चों के लिए साथ साथ शादी के लिए भी प्रार्थना करो। नहीं नहीं इतना इतना ऐसा मेरा मुंडा होने होने 12 साल दा गया, देख कितने प्रार्थना करिए। ओ भाई साहब अभी से करो अभी से करो, परमेश्वर जब ये बड़ा हो जाए इसको एक सुंदर बहू मिले, बहुत अच्छी काम करने वाली मिले, मेरे नाल लड़ाई करने वाली ना मिले। आप समझ रहे हो कि नहीं, आपको समझना है। कह रहा है माँ बाप की प्रार्थनाओं का फल आध रात तो परमेश्वर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आपके घर हर दिन सेलिब्रेशन होगा, हर दिन। आमेन। एक दिन के लिए नहीं बुलाए गए आप एक दिन बस आ जाओ, पंगड़ा पालो, डिंग 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 डिंग, और दूसरे दिन हेलो की हो गया, मम्मी मैं इस घर च नहीं रहना। आप समझ रहे हो कि नहीं, परमेश्वर कह रहा है। कह रहे क्यों, कह रहे शराब पीता है, पहले नहीं पता था, आपकी प्रार्थनाएं कमजोर हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप अभी से प्रार्थनाएं करना स्टार्ट करो। मैं बताता हूं कि जब मेरी बेटी माँ के पेट में थी एकता, उस दिन से मैं प्रार्थना करता था उसके लिए। मैंने कहा परमेश्वर एक भी दिन ऐसा ना जाए कि जब मैं एक भी साल ऐसा ना जाए मैं इसका जन्मदिन ना बना पाऊं, मेरे पास पैसे ना हो। परमेश्वर ऐसी बातों को सुनता है। अगर आपके अंदर कह रहा है कि अगर प्रार्थना करने की हैबिट है तो मेरा परमेश्वर आज रात एक बेस्ट प्राइज आपको देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि उन लोगों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं जो लोग प्रार्थना पर और पवित्रताई के साथ चलते हैं। आपका चलना देखता है परमेश्वर और प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। याद रखना कि आज नहीं सुनेगा तो अगले साल के अंदर जरूर सुनेगा। मैं आपको एक छोटी सी गवाही दे रहा हूं कि जब मैं करनाल के अंदर पास्टर बना और मेरे परिवार के लोग और ससुराल माई के में लड़ाई हो गया और हमें घर से निकाल दिया, लेकिन उस समय में मैं सोच रहा था मेरे लिए सब रास्ते बंद हो गए। मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास चर्च में अभी मैंने चर्च लगाना भी शुरू नहीं किया था, सिर्फ मैं लोगों एक दो लोगों को जानता था और उनके घर जाके प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे ऊपर अनॉइंटिंग है बेटे, तू चर्च लगा प्रार्थना कर। पर मैंने कहा यहाँ दो ही लोग हैं, किनके लिए प्रार्थना करूँ, ये तो ठीक हो गए हैं। लेकिन जब उसका जन्मदिन आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने परमेश्वर को उस दिन कहा कि परमेश्वर मेरे पास पैसे नहीं है, इस साल तो मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा बर्थडे, लेकिन आज से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर कि कभी जिंदगी में भी मैं अपनी बेटी का जन्मदिन ऐसा ना हो कि मैं ना मना पाऊं। परमेश्वर मैं हमेशा मनाऊं, मेरे पास पैसे हो मेरी जेब में, इतने पैसे जरूर हों कि मैं एक हलवा तो काट सकूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस दिन की मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। उस दिन मैंने सोचा था कि शायद परमेश्वर अब मेरी प्रार्थना को सुनेगा, पहले मेरे से गलती हो गया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो अगले साल मनवाएगा जन्मदिन। लेकिन मैं लेटा हुआ था और पवित्र आत्मा ने मुझे आकर कहा खड़ा हो, चाहे एक व्यक्ति को जानता है तू एक व्यक्ति के घर जा और उसको बोल मेरे बर्थडे मनाना, अपने रिश्तेदारों को बुला बर्थडे मनाना। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे प्रभु ने मुझे कहा जा बुला, और मैं गया और मैंने इनवाइट किया। मैं पहले ही बंदे को इनवाइट करने के लिए गया और आगे से वो बोलता है, कह रहा ठीक है मैं एक शर्त पे आऊंगा। मैंने कहा क्या, कहता है मैं केक भी मैं लाऊंगा, गुब्बारे भी मैं लाऊंगा, मिठाई भी मैं लाऊंगा। मैंने कहा अच्छा हालेलुया। मैंने कहा यार ये एक ही बंदा बोल रहा है तो परमेश्वर ये तो बन ही गया सब कुछ। और आपको बता रहा हूँ कि मैंने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, परमेश्वर ने चमत्कार किया। और वो दिन और आज मैं कह रहा हूँ कि 11 साल हो गए मेरी शादी, नहीं नहीं 2011 में हुई थी, 9 साल या 10 साल हो गए होंगे, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने एक भी साल में कि ये दिन मैंने अपनी बेटी का जन्मदिन ना मनाया हो। ये मेरा परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ कि आप छोटी छोटी प्रार्थना भी करते हैं वो भी सुनता है परमेश्वर।
वो भी सुनता है। आप कई बार ऐसी मजबूरी आ जाती है आप जन्मदिन नहीं मना पाते, क्यों? क्योंकि आप आशीष के दरवाजे तक थे, पहुंचे हो आप, लेकिन आपने प्रार्थना ही करना बंद कर दी है, इसलिए आपकी इस साल आपने जन्मदिन नहीं मनाया, इस साल मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाई, इस साल करे कि मैंने वीजा लेने जाना था लेकिन पैसे नहीं मिले, बच्ची का स्टडी वीजा लग गया लेकिन पैसे नहीं मिले कहीं से, और क्या हो गया? कह रहा उसी समय कह रहे कि वो रुकावट आ गई, चलो अगले साल जाएंगे, अगले साल जाएंगे, खुश हो जाते हैं, कोई नहीं आठ बैंड तो आए हुए हैं, अगले साल जाएंगे, अरे अगले साल जाएंगे। कह रहे कारण, कह रहे तूने अपनी प्रार्थनाओं को बंद कर दिया। बाइबल में लिखा भजन संहिता 32:6 में, कह रहे जब तक कह रहे कि मिल ना जाए तब तक कह रहा है कि प्रार्थना करो, जब तक तुम्हें मिल ना जाए। हालेलुया। कह रहा है ऐसे समय में प्रार्थना करो जब तक परमेश्वर मिल ना जाए। कह रहा है जब तक जो तुम मांग रहे हो मिल ना जाए। कह रहा है कि जब जल की बड़ी बाढ़ आए, कह रहा है वो तुम्हारे तक कभी नहीं पहुंचेगी, याद रखना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर वो मुसीबतें अब तक नहीं गई, इस साल में वो मुसीबतें समाप्त होने वाली है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। मैं कह रहा हूँ जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उनकी मुसीबतें खत्म हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम देखते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, लूका 8:22 को देखेंगे हम, लूका 8:22 को, और उसको देखते कि उसमें क्या लिखा। वहाँ पर पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कुछ लोगों को नहीं पता कि डोर खुलवाना है, आपके लिए नहीं खुला, आप निराश हैं, लेकिन परमेश्वर बता रहा था एक जगह पर कि चेले नाव में जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को चलो बेटे नाव में चलते हैं और दूसरी जगह पर चलते हैं। उस समय में कह रहे कि हमारे लिए एक नया रास्ता खुलेगा। हाँ हाँ पढ़े जरा। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चलें, अंत उन्होंने नाव खोल दी। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। देखो आपको समझना है, कह रहे कि यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को कहा नाव पर चलते हैं और नाव से दूसरे पार चलेंगे। उन्हें एक मिराइकल करने के लिए जाना था किसी के घर पर। मैं कह रहा हूँ कि वहां पर एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था और वो काफी समय से दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, उसको संगलों से बांध कर रखते थे, उसको आजाद करने के लिए जाना था, एक बड़ा काम करने के लिए जाना था। हो सकता है कि ये वचन पास्टर के लिए भी हो और विश्वासियों के लिए भी हो। और वो जब एक बड़ा क्रूसड करने के लिए जा रहे थे, बड़ा मिराइकल करने के लिए जा रहे थे, हो सकता है कि बड़ी फैक्ट्री खोलने के लिए जा रहे हो आप, हो सकता है कि आप दूसरे पार आप कमाई करने के लिए जा रहे हो सकता है कि आप यहाँ से इस देश से विदेश में जा रहे हैं काम करने के लिए, आपको वीजा लेने के लिए जा रहे हैं, आपको फॉरेन जाना है, आपको कोई हीलिंग क्रूसेड करने के लिए जाना है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था, कह रहे कि जब वो जा रहे थे उस समय में कह रहे कि दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उस समय कह रहे कि वहां पर बड़ी आंधी और तूफान आ गया और शैतान वहां पर आकर खड़ा हो गया। आंधी तूफान आने लगा, परेशान हो गए वो और इतना डर गए, इतना परेशान हो गए उस समय में, और उसी समय टूट गए वो लोग, क्योंकि पानी जो था वो अंदर आ गया, और जब पानी अंदर आया नाव के तो नाव डूब जाती थी और मर जाते थे लोग, और यहाँ पर उसको टेंशन हो गया और वहाँ पर जाके उसी समय देखो क्या कर रहे हैं वो वहाँ पर। हाँ हाँ पढ़ेंगे, यीशु मसीह को बोल रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस करना था, उस नदी को क्रॉस करना था। मैं कह रहा हूँ कि वो आंधी और तूफान आया, उसको क्रॉस करना है उनको, लेकिन वो दुख जो है उनसे क्रॉस नहीं हुआ। और उसी समय आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जब रुकावटें आ जाती हैं, जब परेशानियां आ जाती हैं, तो लोगों को क्रॉस करना होता है थैंक यू बोलकर कि ठीक है परमेश्वर, अगर ये दुख आया है, इस साल नहीं मिला कोई बात नहीं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद करके क्रॉस करना है। लेकिन यहाँ पर करे के जब करे क्रॉस निवान से वो नदी वो पानी जब वो डूब रहे थे, आंधी तूफान देख रहे थे, चिल्ला उठे ये लोग, और उसी समय देखो क्या कर रहे हैं ये वहां पर। हाँ हाँ तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। हाँ। कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। देखो ये नाव में जा रहा है और नाव में जाने के बाद क्या हो गया कि जब यीशु के पीछे चल पड़ा है, आज आपके अंदर बड़ा आनंद आया जब यीशु मसीह बोलता है, चेलों को बोला कह रहा है चलो मेरे साथ उस पार चलते हैं। जब आप मेरे साथ चलते हैं, मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ, कौन कौन क्वायर चलेगा, कौन कौन बॉन्सर बनेगा, कौन कौन वॉलंटियर चलेगा मेरे साथ, तो बड़े आनंद के साथ चलते हैं, बड़े आनंद के साथ चलते हैं। लेकिन जब कोई समस्या आ जाती है तो सारे के सारे घर बैठ जाते हैं कई बार। आज मैं कह रहा हूँ कि जब चलते हैं आनंद से चल रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हो गया, पानी आ गया, और जब पानी आया तो यहाँ पर कैसे उठा रहे हैं यीशु मसीह को, देखा आपने कैसे उठा रहे,
स्वामी क्या लिखा वहां पर पढ़ो। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी, प्यार से स्वामी, बोल प्यार से बोल स्वामी, हे स्वामी। देखो कैसे उठाया, स्वामी 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 उठो। उठता ऐसे स्वामी नहीं उठता, ऐसे समय में ऐसे में उठाया होगा जब जहाज पलट रहा हो और पायलट को जाकर बोले पायलट क्या कर रहा है पायलट, ऐसे बोलते हैं। और जब दारू पी के ड्राइवर बस चला रहा हो और सो गया हो और बस इधर उधर जा रही हो, सवारी क्या करती है, ड्राइवर ड्राइवर ऐसे बोलती है, सुन रहे हो कि नहीं, कैसे बोलते हैं ड्राइवर क्या कर रहा है बेवकूफ बोलते कि नहीं, ये चेले भी टूट पड़े यीशु मसीह में, कह रहे स्वामी क्या कर रहा है सूर यीशु मसीह को गुस्सा तो आया लेकिन उठ के खड़ा होके पहले कहता अपना गुस्सा इस पे उतारूंगा आंधी तूफान पे, कह रहा चल चुप भागो यहां से आंधी तूफान भाग यीशु मसीह के नाम में, और वो चली गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपके दरवाजे के पास भी एक मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। अपने बच्चे की शादी करना है, शैतान आके खड़ा हो जाता है, मैं नहीं जाने दूंगा, रास्ते में क्या करेगा, गाड़ी इधर उधर पलटी कर देगा, कोई रुकावट आ जाएगी। इसका मतलब समझ जाना लड़की सही है, लड़की में कोई खोट नहीं भाई साहब। कई लोग बोलते हैं ना ना चंगा होया पा गिर गए छाड़ी टांग टूट गई चंगा होया, प्रभु ने सानू दिखाता रिश्ता साढ़े वास्ते था सीगा ही नहीं। बेवकूफ तेरे लिए यही रिश्ता था और यही लड़की तेरे घर में आशीष का कारण बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है, कह रहा है आपकी आंखें खुली नहीं है, आपकी आंखें खोलना चाहता है परमेश्वर। आज मसीह लोगों की आंखें बंद है, कह रहा है अपनी मर्जी से, कह रहा है कोसने लग जाते हैं कि शायद अपनी मर्जी से बोलने लग जाते हैं और बोल रहे, कह रहे यीशु मसीह और चेले पता क्या बातें कर रहे आपस में कि यीशु मसीह भगवान के साथ रहता है, परमेश्वर के साथ रहता है। इसको ये नहीं पता था आज मुसीबत आएगी, हम जाते ही ना आज, कल चले जाते हीलिंग क्रूसेड करने, कल चले जाते हम वीजा अगले महीने ले लेते, अगले साल ले लेते, पोस्टर से भी पूछ के आए थे, प्रोफेट से भी पूछ के आए थे, हमारे लिए तो प्रोफेसी हुआ था इस साल में तू गर्भवती हो जाएगी बच्चा, अरे ये क्या हो गया। अच्छा पास्टर जी तुसी तां भविष्यवाणी कीती सी मेरे वास्ते मुंडा होएगा कुड़ी किदां होगी, परमेश्वर कह रहा है उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि विश्वास करना, कह रहा है स्वामी, कह रहा है मेरे घर पर, कह रहा है दया कर हे स्वामी, कह रहा है कि आपका चीखना आपका चिल्लाना परमेश्वर देखता है, कह रहा है कि लेकिन जब ये गिड़गिड़ाए, जब इन्होंने प्रार्थनाएं की और यीशु मसीह ने उठकर आदेश दिया और उन्होंने कहा ए अलग विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहां था। इसका मतलब परमेश्वर आज कह रहा है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनका भी ध्यान रखता है, जो लोग करते हैं उनका डबल ध्यान करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान तो वो रखता है लेकिन आप उसके बच्चे हैं। लेकिन याद रखना कि मैं कह रहा हूं कि अगर आप आशीषों को देखना चाहते हैं तो इस वर्ष के अंदर परमेश्वर आपके ऊपर 100 गुना आशीषों को उतार रहा है, लेकिन वो आशीषें कह रहा हूं उनके ऊपर आई कैसे, उन्होंने क्रॉस किया उस दुख को, उन्होंने उस दुख को झेला, उस आंधी तूफान को झेला, और उन्होंने क्रॉस कब किया वो, कह रहा है कि जब उन्होंने फैसला लिया कि हम यीशु मसीह को जगाएंगे, उन्होंने फाइट किया। एक चेला कह रहा था नहीं नहीं यीशु मसीह उठता है तो चांटे भी मारता है, एक चेला कह रहा था ना ना नींद में से अभी ना जगा, आप जगा सकते हैं, आपका डैडी सो रहा हो रात को ड्यूटी करके आया ट्रक चला के और आपको सुबह उसे पैसे लेने हैं, सुबह 4 बजे दोबारा उठाओगे उसको, नहीं उठाओगे, मम्मी डराएगी ना ना तेरा प्यो कुटेगा तेनू, डरा रहा था थोमा, हो सकता है थोमा डरा रहा हो पतरस को, बोल रहा हो कह रहा तेरा दिमाग खराब पीटेगा यीशु मसीह मत उठा, वो कह रहा है स्वामी प्यार से उठा रहा था लेकिन उसने फैसला लिया, करा मौत तो आ गई है, अब तो आंधी तूफान आ गया है, अब नहीं रुका जाता, अब तो करा स्वामी कुछ तो कर। आपको समझ रहे हैं, आप दुखों को झेल रहे हैं लेकिन मुंह नहीं खोल रहे, जब तक आप मुंह खोलकर गिड़गिड़ाकर दुआ नहीं करते तब तक परमेश्वर हिलता नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है जब आप गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं हन्ना की तरह, मैं कह रहा हूं जब गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला इस हफ्ते में चर्च, आपके बंद पड़े दरवाजे फिर से खोलने वाला मेरा परमेश्वर, आमीन। आपकी आशीषें फिर से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप विश्वास करते हैं कि नहीं, मैं बता रहा हूं कि एक औरत यूएसए में 60 लाख रुपए का कर्जा था उसके ऊपर,
और वो रोज लाइव देखती थी मेरा, आज से 2 साल पुरानी बात है, और लाइव देखती और उसी समय फैसला ले लेती, कहती मैं जाऊंगी एक दिन जाऊंगी, लेकिन पति बोलता नहीं जाना नहीं जाना। एक दिन उसने डिसीजन लिया और फैसला लिया और वो चर्च में आई, और मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी भविष्यवाणी हुआ और आज 60 लाख का कर्जा उसका उतर गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और USA के अंदर उसका अपना मकान है। क्यों? क्योंकि उसने एक फैसला लिया। हम सोचते रहते हैं और फैसला नहीं लेते। यहाँ पर ये आंधी और तूफान में डूब जाते हैं। यीशु मसीह को क्या पता नहीं था, वहां पर लिखा कि यीशु मसीह सो रहा था, वो जानबूझ कर सो जाता है। कई बार आपकी करे कि आपके अंदर दम देखना चाहता है कि आप प्रार्थना करते हो कि नहीं करते, करे कि आपका क्या डिसीजन होगा। अगर आपको एक छोटा सा फोड़ा हो गया है, आप क्या फैसला लेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे कि यीशु के पास आएंगे? आपके घर में करे कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है या कोई काम हो गया, आप फटाफट दौड़कर पड़ोसी से हेल्प मांगने जाएंगे या आप घुटने टेक देंगे वहीं पर यीशु मसीह के सामने? याद रखना, जिसने घुटने टेक दिए यीशु मसीह, वहीं पर करा डॉक्टर का करा वो ऑपरेशन की कैंची बंद करने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा चमत्कार करना जानता है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मैं कह रहा हूं एक बार मैं कपूरथले में हीलिंग मीटिंग में था, बहुत बड़ी कपूरथले मीटिंग किया मैंने, हीलिंग क्रूसेड, लाखों लोग वहां पर थे, और जैसे ही मैं मीटिंग में से मैं मीटिंग कर रहा था, मेरे पास मैसेज आया आपकी बेटी ऊपर से गिर गई, बड़ी ऊपर से झूले से गिर गई और ऑपरेशन बोला डॉक्टर ने। मैंने उसी समय घुटने टेक के और खुदा को कहा, खुदा तू सुनता है, तू यहाँ पर है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय मैं आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट के बाद, जब मैं 1 घंटे के बाद मैं क्रूसेड खत्म करके निकला, तो उसी समय फोन आ गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूँ आपके घर के आंधी तूफान को आपकी बातें शांत नहीं करने वाली, आपके रिश्तेदार शांत नहीं करने वाले, आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपके कर्जे करा ऐसे शांत नहीं होने वाले। करा जब तक आप घुटने नहीं टेकते, आपके आंसू नहीं निकलते, जब तक आप गिड़गिड़ाते नहीं परमेश्वर, तब तक करा आपकी उस आंधी तूफान को शांत नहीं करेगा। वो जानबूझ कर सो रहा था, वहां पर लिखा वो सो रहा था। आज लगता है लोगों को जब उनके बच्चे नहीं होते, जब प्रेगनेंसी होने के बाद, भविष्यवाणी होने के बाद प्रेगनेंसी गिर जाती है, जब भविष्यवाणी होने के बाद उनका बिजनेस की भविष्यवाणी हुआ, नया प्रोजेक्ट मिला 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 4 करोड़ का, लेकिन वो प्रोजेक्ट फिर भी पूरा पास नहीं हो रहा, काम चल नहीं रहा। कह रहा कारण क्या है? कारण है आप प्रोफेसी तक बैठे हैं, लेकिन याद रखना प्रोफेसी के बाद घर जाकर घुटने टेकने हैं, आपके घुटने टिकने चाहिए। अगर आपके घुटने टिक रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो आशीषों का दरवाजा खुला नहीं रहेगा, उसमें से मक्खन भी आज आप निकालने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप निकालने वाले हैं। आज आपका फैसला होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं चलूंगा और मैं करूंगा। मैं कह रहा हूं एक बॉम्बे में एक औरत को 28 साल से बच्चा नहीं था, डॉक्टर ने कहा तेरी दोनों ट्यूबें बंद है, तुझे बच्चा हो ही नहीं सकता, लेकिन उसने डिसीजन लिया, बॉम्बे से यहां चलकर आई। और पिछले संडे से, पिछले संडे आपने गवाही सुना है।